हाँ दोस्तों, सही सुना आपने। पूरे विश्व में एक ऐसी सड़क है जो पूरे दिन में, मतलब 24 घंटे में केवल 2 से 3 घंटे ही दिखाई देती है और बाकी टाइम पर वो अदृश्य हो जाती है। आप सोच रहे होंगे कि इतना बड़ा फैक्ट और हमें पता नहीं है, है ना? तो चलिए इस बारे में पता करते हैं कि क्या है पूरा स्टोरी। चलिए, एक्चुअली आपने अटलांटिक महासागर का नाम सुना होगा। अटलांटिक महासागर के तट के पास एक आइलैंड है, एक छोटा सा मतलब द्वीप है, जिसका नाम है नॉयर मॉर्टियर। दिखाई दे रहा होगा आपके सामने, ये नॉयर मॉर्टियर नाम का आइलैंड है। इस आइलैंड से फ्रांस की मुख्य भूमि, जो फ्रांस का जो मेन लैंड है, फ्रांस की जो मुख्य भूमि है, उसको जोड़ने के लिए एक सड़क बनाई गई है जो लगभग 4 किलोमीटर लंबी है। मतलब लगभग लगभग जो है 4 किलोमीटर लंबी सड़क है ये, और ये फ्रांस की मुख्य भूमि को इस नॉयर मॉर्टियर नामक आइलैंड से जोड़ती है। अब आप कहेंगे कि ये दिखाई क्यों नहीं देती बाकी टाइम पर, तो चलिए है क्या, जो ज्वार आता है, जब हाई ज्वार आता है तो इस सड़क पर बहुत ज्यादा पानी भर जाता है और ये पानी करीब करीब 10 फुट ऊंचाई तक भर जाता है, तो ये सड़क उस टाइम पर दिखाई नहीं देती। और जब लो टाइड, मतलब जो कम ज्वार जो होता है ना, जब पानी चला जाता है, तब ये सड़क दिखाई देना शुरू होती है। और ये हाई टाइड की जो सीमा होती है वो करीब करीब 20-22 घंटे के आसपास तक होती है, और लो टाइड जो होता है वो 2 से 3 घंटे के आसपास का ही होता है इसमें। ठीक है, जब पानी पीछे लौट जाता है तो सड़क दिखाई देती है, और जब पानी सड़कों पर आ जाता है 10 फीट के आसपास, तो ये सड़क पूरी तरीके से दिखाई नहीं देती है। और इस सड़क का जो नाम है वो है ले पेसेज डू गोइज। सामने दिखाई दे रहा है ले पेसेज डू गोइज, सड़क का नाम है। और अब आप सोच रहे होंगे कि बाय चांस को मान लीजिए हम सड़क के एक तरफ से दूसरे तरफ जाना चाहते हैं और बीच में हाई टाइड आ गया, तो क्या इंसान बीच में फंस जाएगा? बिल्कुल ये हो सकता है। तो चूंकि एक इंसान यहां से चलता है और उसे उस दूसरी तरफ जाना है और बीच में ही पानी आ गया, तो इंसान फंस सकता है, इसलिए प्रशासन ने बीच बीच में इमरजेंसी टावर लगाए हुए हैं। प्रशासनिक अधिकारियों या प्रशासन या सरकार के द्वारा या बीच बीच में इमरजेंसी टावर लगाए हुए हैं, ताकि यदि हाई टाइड की सिचुएशन बनती है तो लोग उस पर चढ़कर अपनी जान बचा सकते हैं। साथ ही प्रशासन के द्वारा समय समय पर टाइड आने की जानकारी भी दी जाती है, ताकि लोगों को पता चले और लोग रिस्क से बचे। ठीक है, इस सड़क का निर्माण सामान्यतः 16वीं शताब्दी में हुआ था, अर्थात ये 16वीं शताब्दी 60th सेंचुरी में अस्तित्व में आई थी। साथ ही मनोरंजनकारी तथ्य ये है कि 1987 से यहां पर एक पैदल रेस होती है। पैदल रेस होती है, वो रेस होती क्या है, एक्चुअली टाइड आने से पहले ये रेस शुरू होती है, और जब तक सड़क पर पानी पूरी मात्रा में आए तब तक आपको ये रेस कंप्लीट करनी होती है, और जीतने वाले को सरकार के द्वारा इनाम भी दिया जाता है। तो आपको ये जो इस सड़क के बारे में जानकारी मिली, ये आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और अगली वीडियो में हम फिर लेके आएंगे इसी प्रकार की अच्छी जानकारियां। तब तक के लिए सत्यमेव जयते।